इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच भी चेन्नई के चिदंबरम स्टेडियम में खेला गया, जिसमें भारत टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किए। टेस्ट का पहला दिन और ओपनिंग करने आए रोहित शर्मा और शुभमन गिल। इंग्लैंड की ओर से स्टुअर्ट बोर्ड गेंदबाजी शुरू किए और उनके द्वारा पहला ओवर अच्छा ही रहा और दूसरी ही ओवर की तीसरी गेंद पर भारत के लिए पहला झटका। शुभमन गिल आउटसाइड ऑफ गेंद को छोड़ देने का सोचे, लेकिन गेंद इन स्विंग होकर पैड को लग गया और वे LBW के रूप में आउट हो गए। ऑली स्टोन के लिए पहला विकेट। तीसरी ओवर की पहली गेंद पर रोहित शर्मा वाइड आउटसाइड ऑफ गेंद को कवर क्षेत्र में खूबसूरत ड्राइव करके चौका लगाकर अपना खाता खोले। उसी ओवर की आखिरी गेंद पर चतेश्वर पुजारा आउटसाइड ऑफ गेंद को स्लिप क्षेत्र में थर्ड मैन की दिशा में बाउंड्री लगाए। पांचवी ओवर की पांचवी गेंद पर रोहित शर्मा लेंथ आउटसाइड ऑफ गेंद को मिड ऑफ क्षेत्र के माध्यम से चौका लगाए। सातवीं ओवर की आखिरी गेंद पर रोहित शर्मा गुड लेंथ अराउंड ऑफ गेंद को मिड ऑन के ऊपर से बाउंड्री मारे। अगली ओवर की चौथी गेंद पर रोहित शर्मा शॉर्टर लेंथ आउटसाइड ऑफ गेंद को बिंदु के माध्यम से मारे, लेकिन गेंद बल्ले के अंतिम छोर को लग के बैकवर्ड पॉइंट दिशा में राइट गली में एक बाउंड्री गया। दसवीं ओवर की पहली गेंद पर रोहित शर्मा ओवर पिच आउटसाइड ऑफ गेंद को बिंदु के सामने ड्राइव करके चौका लगाए। यह उनका पारी का पांचवा चौका। बारहवीं ओवर की दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा शॉर्ट अराउंड ऑफ गेंद को पुल करते हुए डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्का लगाए। अगली ही गेंद पर रोहित शर्मा शॉर्ट एंड आउटसाइड ऑफ गेंद को पुल करते हुए डीप मिड विकेट की दिशा में चौका लगाए रोहित शर्मा द्वारा बैक टू बैक बाउंड्रीज। 14 ओवर की चौथी गेंद पर रोहित शर्मा मिड ऑन की दिशा में सिंगल रन लेकर पुजारा के साथ 50 रन का साझेदारी पूरा किए और साथ में भारत का 50 रन भी पूरा हुआ। 15 ओवर की दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा फुल एंड शॉर्टर गेंद को स्वीप करते हुए मिड विकेट की दिशा में बाउंड्री लगाए। उसी ओवर की चौथी गेंद पर रोहित शर्मा फुल ऑन ऑफ मिडिल गेंद को स्वीप करते हुए मिड विकेट रीजन में चौका लगाए। इसी के साथ रोहित शर्मा अपना अर्धशतक पूरा किए। 16 ओवर की दूसरी गेंद पर चतेश्वर पुजारा मोइन अली की गेंदबाजी पर फ्लिक करते हुए स्क्वायर लेग रीजन में बाउंड्री लगाए। 18 ओवर की आखिरी गेंद पर रोहित शर्मा शॉर्टर आउटसाइड ऑफ गेंद को बैकवर्ड पॉइंट रीजन में चौका लगाए। 20 ओवर की पांचवी गेंद पर रोहित शर्मा शॉर्ट एंड आउटसाइड ऑफ गेंद को डीप बैकवर्ड पॉइंट रीजन में बाउंड्री लगाए। 21 ओवर की दूसरी गेंद पर चतेश्वर पुजारा फुल आउटसाइड ऑफ गेंद को पुश करने का प्रयास किए, लेकिन एज होकर फर्स्ट लीप में गया और बेन स्टॉक बिना कोई गलती किए अच्छा कैच लेकर उन्हें आउट किए जैक लीच के लिए इनिंग्स का पहला विकेट। और अगली ओवर की दूसरी गेंद में विराट कोहली फुल आउटसाइड ऑफ गेंद को ड्राइव करने का प्रयास किए, लेकिन गेंद स्पिन होकर बैट को लग के स्टंप को टकरा गई और वे डक आउट हो गए। मोइन अली के लिए इनिंग्स का पहला विकेट। उसी ओवर की आखिरी गेंद पर अजिंक्य रहाणे फुल टॉस आउटसाइड ऑफ गेंद को कवर के ऊपर से ड्राइव करते हुए चौका मारे। 24 ओवर की दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा आउटसाइड ऑफ गेंद को मिड विकेट के माध्यम से स्वीप करते हुए बाउंड्री लगाए। 25 ओवर की दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा जैक लीच की गेंदबाजी में डिफेंसिव शॉट मार के 4 रन मुकम्मल किए। इसी के साथ भारत का 100 रन पूरा हुआ। अगली ओवर की दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा फुल आउटसाइड ऑफ गेंद को थर्ड मैन दिशा की ओर बाउंड्री लगाए। पहला सेशन खत्म होने तक भारत 26 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 106 रन बनाए। भारत के बल्लेबाजों में रोहित शर्मा शानदार खेल खेलते हुए 78 गेंदों में 80 रन बनाए और वही बाकी खिलाड़ियां रन बनाने में स्ट्रगल किए। इंग्लैंड के गेंदबाजों में ऑली स्टोन, जैक लीच और मोइन अली अच्छा गेंदबाजी करके एक एक विकेट लिए।
32 ओवर की दूसरी गेंद पर अजिंक्य रहाणे आउटसाइड ऑफ गेंद को उछालते हुए कवर के माध्यम से पंच करके चौका लगाए। उसी ओवर की चौथी गेंद पर अजिंक्य रहाणे फिर एक बार लेंथ आउटसाइड ऑफ गेंद को मिड ऑफ के चौड़े और अतिरिक्त कवर क्षेत्र में पंच करते हुए बाउंड्री लगाए। 34 ओवर की आखिरी गेंद पर रोहित शर्मा फुल एंड आउटसाइड ऑफ गेंद को स्लॉग स्वीप करते हुए मिड विकेट के ऊपर से चौका लगाए। 38 ओवर की पांचवी गेंद पर रोहित शर्मा मोइन अली की गेंदबाजी में ब्रिलियंट हिट करते हुए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का लगाए। अगली ओवर की चौथी गेंद पर अजिंक्य रहाणे फुल आउटसाइड ऑफ गेंद को बैकवर्ड पॉइंट रीजन में चौका मारे। 42 ओवर की तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा मोइन अली की गेंदबाजी में फाइन लेग दिशा में स्लिप करते हुए 2 रन बनाए और इसी के साथ वे अपना शतक पूरा किए। अगली ओवर की दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा मिड ऑन के दिशा में सिंगल रन लिए और इसी के साथ भारत 150 रन पूरा किए। 46 ओवर की पांचवी गेंद पर अजिंक्य रहाणे शॉर्ट आउटसाइड ऑफ गेंद को बैकवर्ड पॉइंट रीजन में बाउंड्री लगाए। अगली ओवर की चौथी गेंद पर रोहित शर्मा फ्लाइटेड ऑन ऑफ गेंद को स्लॉग स्वीप करते हुए स्क्वायर लेग के ऊपर से चौका मारे। 52 ओवर की दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा फ्लैट ऑन ऑफ गेंद को कवर क्षेत्र में 2 रन लिए। इसी के साथ रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे के बीच 100 रन की साझेदारी पूरी हुई। दूसरा सेशन खत्म होने तक भारत 54 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 189 रन बनाए। भारत के बल्लेबाजों में रोहित शर्मा शानदार खेल खेलते हुए इस सेशन में उन्होंने अपना शतक पूरा किया और रहाणे भी अजय रहकर अच्छा पारी खेल रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज इस सेशन में कुछ खास नहीं कर पाए। तीसरे सेशन में 58 ओवर की दूसरी गेंद पर अजिंक्य रहाणे फुल डिलीवरी ऑन मिडिल गेंद को कवर क्षेत्र में ड्राइव करते हुए बाउंड्री लगाए। उसी ओवर की पांचवी गेंद पर अजिंक्य रहाणे शॉर्ट ऑन ऑफ गेंद को पॉइंट के जरिए फिर एक और बार चौका लगाए। इसी के साथ भारत का 200 रन पूरा हुआ। 59 ओवर की चौथी गेंद पर अजिंक्य रहाणे शॉर्ट डिलीवरी ऑन मिडिल गेंद को पुल करते हुए स्क्वायर लेग दिशा में बाउंड्री लगाए। 60 ओवर की आखिरी गेंद पर अजिंक्य रहाणे फुल डिलीवरी ऑन मिडिल गेंद को मिड ऑन की दिशा में क्विक सिंगल लेकर अपना अर्धशतक पूरा करे। 64 ओवर की दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा फ्लोटेड डिलीवरी ऑन मिडिल गेंद को मिड विकेट के माध्यम से स्वीप करते हुए चौका लगाए। रोहित शर्मा 68 ओवर की चौथी गेंद पर स्क्वायर लेग दिशा में सिंगल रन लेकर अपना 150 रन पूरा किए। 71 ओवर की पहली गेंद पर रोहित शर्मा फुल एंड फ्लाइटेड अराउंड मिडिल गेंद को मिड ऑन रीजन में चौका लगाए और साथ ही रोहित शर्मा एवं अजिंक्य रहाणे के बीच 150 रन की साझेदारी पूरी हुई। 73 ओवर की पहली गेंद पर अजिंक्य रहाणे शॉर्ट एंड अराउंड ऑफ गेंद को पॉइंट के दिशा में चौका लगाए और उसी ओवर की आखिरी गेंद पर रोहित शर्मा जैकलीज के गेंदबाजी में स्वीप करके बाउंड्री मारने की कोशिश किए, लेकिन बाउंड्री के पास मोइन अली ने कैच लेकर उन्हें आउट किया। जैकलीज के लिए दूसरा विकेट। 76 ओवर की दूसरी गेंद पर अजिंक्य रहाणे मोइन अली के गेंदबाजी में क्लीन बोल्ड होकर आउट हुए, मोइन अली के लिए इनिंग्स का दूसरा विकेट। 77 ओवर की तीसरी गेंद पर ऋषभ पंत शॉर्टेज एंड आउटसाइड ऑफ गेंद को बिंदु के माध्यम से बाउंड्री लगाए। 79 ओवर की दूसरी गेंद पर ऋषभ पंत जैकलीज की गेंदबाजी में मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का लगाए। 80 ओवर की तीसरी गेंद पर रविचंद्रन अश्विन फुल टॉस आउटसाइड ऑफ गेंद को कवर के माध्यम से चौका लगाए। 82 ओवर की चौथी गेंद पर ऋषभ पंत टॉस अप डिलीवरी ऑन ऑफ गेंद को रिवर्स स्वीप करके बाउंड्री लगाए और अगली गेंद में फिर से ऋषभ पंत ऑन ऑफ गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से चौका लगाए। 83 ओवर की तीसरी गेंद पर रविचंद्रन अश्विन जॉय रूट के गेंदबाजी में ऑली पॉप को कैच देकर आउट हुए, जॉय रूट के लिए इनिंग्स का पहला विकेट। अगली ओवर की चौथी गेंद पर ऋषभ पंत शॉर्ट ऑन मिडिल गेंद को पुल करके मिड विकेट की दिशा में बाउंड्री लगाए। 86 ओवर की चौथी गेंद पर अक्षर पटेल फुल डिलीवरी ऑन मिडिल गेंद को स्क्वायर लेग क्षेत्र में चौका लगाए। 88 ओवर की तीसरी गेंद पर ऋषभ पंत शॉर्ट डिलीवरी ऑन मिडिल गेंद को पुल करके मिड विकेट के रीजन में बाउंड्री लगाए।
इसी के साथ भारत का 300 रन पूरा हुआ। पहला दिन खत्म होने तक भारत 88 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 300 रन बनाए। तीसरा सेशन में भारत 34 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 111 रन बनाए। भारत के बल्लेबाजों में रोहित शर्मा सेंचुरी करे तो रहाणे अर्धशतक बनाए। इंग्लैंड के गेंदबाजों में जैक लिच और मोइन अली 2-2 विकेट लिए और वही ऑली स्टोन एवं जॉय रूट 1-1 विकेट लिए।